चलिए शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जनता ने सरोकार दिखाया और सरोकार के रूप में भरपूर प्यार आपको दिया, दूसरी बार विधायक आप बने हैं और अगर देखा जाए तो 6 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है सरकार का, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर क्या दे रहे हैं आप जनता को? बाइक ले लें प्लीज। आई थिंक अगर 6 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता से लेंगे तो जनता ही आपको बताएगी कि प्रयागराज के विकास को देखने का नजरिया ही पब्लिक का बदल गया है। जैसे कि कुंभ होता था और कुंभ में हमेशा विकास हुआ है, कुंभ एक ऐसी चीज है जो कभी भी ऐसी नहीं है कि किसी सरकार ने विकास ना किया हो, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार अर्थकुंभ में हम लोगों ने विकास किया, ये मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं, किसी महाकुंभ में भी ऐसा विकास नहीं हुआ था। और वो बहुत से लोग कहते थे कुंभ में हुआ है फिर मामला रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिजेस में से एक, जैसे कंपेरेबल टू बांद्रा वर्ली सी लिंक इन बॉम्बे, 6 लेन का एक ह्यूज ब्रिज प्रयागराज में बन रहा है गंगा जी के ऊपर। और साथ में आपको बताऊं, यहाँ लोग कहते थे कि 5 प्रधानमंत्री का शहर है, ये यहाँ पे हर बच्चा यही सुन के बड़ा होता है। और अगर आप गुलजारी लाल नंदा जी जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन के लिए थे, उनको देख लीजिए और ये देख लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी एजुकेशन यहाँ से हुई है, तो 7 प्रधानमंत्रियों का शहर है। लेकिन 7 प्रधानमंत्री, मैं हमेशा ये कहता था कि पूरे शहर में रेलवे के फाटक हैं, किसी के ऊपर अगर हर प्रधानमंत्री ने एक फ्लाईओवर भी बनवाया होता तो सारे खत्म हो गए होते। लेकिन ये मानी योगी जी की, मानी मोदी जी की सरकार में पिछले 5 साल में काम हो पाया है, तो विकास चल रहा है और जनता को विश्वास है ये विकास चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये इस पर विश्वास कितना विपक्ष कर पा रहा है इस पर बात करना जरूरी है। और चूंकि एक बड़ी राजनीतिक विरासत आप लेकर बढ़ रहे हैं प्रयागराज में, चाहे हम अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो उस विरासत में आगे बढ़ते हैं। और विजय यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि राजनीति की एक बड़ी विरासत को आप भी संभाल कर आगे बढ़ रही हैं, चाहे हम आपके दिवंगत पतिदेव जी की बात करें, आपकी एक लंबी विरासत की बात करें, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली प्रदेश में, उस दौर में आपने जीत दर्ज की, आप विधायक हैं, तो जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सबने थोड़ा थोड़ा किया हुआ तो काम पहले ही खत्म हो जाता, तो इससे आप सहमत हैं या फिर मानती हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो छूट गई हैं और आप लोग के बिना नहीं हो सकती? मुझे इस प्रयागराज की जनता पे, आज उत्तर प्रदेश के हमारे बीच में नहीं है हमारे गुरु उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, आज उत्तर प्रदेश में विकास न किए होते, बेटियों का न देखे होते, बहनों का न देखे होते, नौजवानों का न देखे होते, तो भीष्मा यादव 4 बार विधायक न बनती। इस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने महिलाओं के बारे में जो घर के अंदर रोटी बना रही थी, हमारे ऐसे ऐसे लोगों का बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा भेजने का काम किए हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में जो सोचा आज तक कोई नहीं सोचा था, चाहे प्रधान का चुनाव रहा हो, चाहे BDC का चुनाव रहा, चाहे ब्लॉक प्रमुख का रहा हो, जहाँ आज हम लोग आपके बीच में बोलने का, हम लोगों के घर की एक महिला को बाहर निकालने के लिए तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बारे में किए हैं तो मुलायम सिंह यादव ने। तो विकास से क्या आप संतुष्ट हैं, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही? अब विकास तो हमारे विधायक जी जो बोल रहे थे, भाई सत्ता के हैं बोलेंगे, हम भी सरकार चाहे समाजवादी की रहती है, इसके पहले 2 बार के पहले समाजवादी को उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो काम किया वो भी दिखाई पड़ रहा, जो आज भी हो रहा वो भी दिखाई पड़ रहा, तो काम तो जो सरकार का कुर्सी लेगा वो करेगा। उत्तर प्रदेश में जो है हमारे अखिलेश यादव जी थे, चाहे लैपटॉप का मामला रहा हो, चाहे बेटियों के पढ़ाई के मामला रहा, चाहे सड़क का मामला रहा, चाहे लोहिया समर का रहा हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी का रहा हो, सरकार तो चाहे नौकरी के मामला रहा हो, जिसकी सरकार आती है वो तो काम करे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी 5 साल उनको मौका मिला,
चाहे मेट्रो रहा हो, जो भी विकास आज गांव के देश के लड़कियाँ जब लैपटॉप पाए तो उत्तर प्रदेश में गांव की बेटियों ने सोचा कि हमारे माँ बाप तो नहीं खरीद सकते थे, बोला धन्य है मुलायम अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब मैं गुरु प्रसाद मौर्य जी से भी जानूं। गुरु प्रसाद जी, विजमा देवी जी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि सपा के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है, लैपटॉप बांटे गए, मोबाइल बांटे गए, क्या इन सब चीजों का असर फाफामाओं में भी देखने को मिला या फिर भाजपा की सरकार आने के बाद ही बदलाव देखने को मिल रहे हैं फाफामाओं में? देखिए, ग्रामीण अंचलों में जहाँ तक ये सवाल उठता है, भाजपा की सरकार में आज सबसे पहली चीज तो प्राथमिक शिक्षा और शहर की सुविधा गांव में ले जाकर हमारी सरकार ने, चाहे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे जनपद को हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और पूरे प्रयागराज जनपद में, हम केवल अपनी विधानसभा की बात नहीं करते, पूरे प्रयागराज जनपद में आप जाइए, आज आपको देखने को मिलेगा जो सब लोग पहले अच्छी सड़कों पर चलने के लिए तरसते थे, आज आपको अच्छी अच्छी सड़कें, यहीं शहर से आप निकलिए, गांव के आखिरी किनारे तक जाइए, किसी के बिल्कुल झटका नहीं लगता है। या सामने बैठे लोग हैं, सब लोग हैं, उसमें कोई प्रतिक्षम किम प्रणारम, यहाँ से उठिए, जाकर के गाड़ी लीजिए, आखिरी तक चले जाइए। और आज के 10-5 साल पहले का प्राथमिक विद्यालय, आज के प्राथमिक विद्यालय में, अगर उन विद्यालयों में जाकर के हम अंतर देखने का काम करेंगे तब हमको महसूस होगा। और दूसरी चीज़ें जो अब तक हमारी सरकार ने गांव के या देहात के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का जो उन्होंने सिस्टम अपनाया है, आज हर व्यक्ति के अकाउंट में उसके सरकार की सारी सुविधा का जो उसका उसके हक में जो चीज़ें हैं वो हमारी सरकार सीधे उसके खाते में देने का काम कर रही है। इसी तरह से चाहे आवास का बात हो या जो शहर की सुविधा गांव में देने की बात है, हर घर को शौचालय देकर के, जिसको हम इज्जत घर के नाम से जानते हैं, क्या पहले ऐसा था? आज इस सरकार ने था जरूर, लेकिन लोगों तक वो सुविधा पहुंचती नहीं। आज हर व्यक्ति को सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ ही साथ हमारी मातृशक्तियाँ, जिनको खाना बनाने में बहुत समस्या उत्पन्न होती थी, पहले गैस चूल्हा लोग देखते नहीं थे, गैस पाते नहीं थे, बड़ी बड़ी लाइन लगाने का काम करते थे, हमारी सरकार ने आज हर घर को, हर उन गरीब लोगों को जिनके घर में वास्तव में भोजन बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, गैस चूल्हा देने का काम किया, लाइट के लिए फ्री कनेक्शन, बिजली और उनको जलाने के लिए जो सुविधा देने का काम किया। आज तो यही स्थिति है, घर घर नाली बनाने का काम भी सरकार करने का काम कर रही है, कूड़ा प्रबंधन करने का काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो शहर में लोग शौचालय और नल यही देख करके लगता था हम लोग शहर आ गए, क्योंकि मैं भी गांव से निकला हूं, आज जो स्थिति ये है कि जो गांव आदमी जाता है उसको देखता है, उसको लगता है मैं शहर में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी सरकार हर घर में, हर गांव में जो शहर की सुविधा देने का काम कर रही, जिसमें यातायात के लिए सबसे अच्छी सड़कें और लोगों के लिए शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर को हम पानी देने का काम करेंगे, उसका काम भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, काम शुरू हो गया है, लेकिन उसकी रफ्तार बड़े उम्मीद की जाती है। और विधायक जी, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि सुराओं का गांव होने में और कुराओं का गांव होने में बहुत फर्क हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।